एक बार ऐसा सुन के डिपार्टमेंट का जो ड्रामा चल रहा है, पिछले कई दिनों समय इन्होंने बोला कि 10 एमबी का ट्रांसफार्मर खराब था, रिप्लेस करवाया, उसके बावजूद भी आज ये दो दिन हो गया रिप्लेस नहीं हुए। ये रोज भी इधर बुजुर्ग है पेशेंट है घर पे, कितना सफर करें, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे इसी वार्ड में से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे टैक्स पेयर है जो बिल पे कर रहे हैं, अपना टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये चीज हो रही है। आज हम नहीं हटेंगे तब तक जहाँ से हमें रिटर्न में एश्योरिटी, चाहे वो चीफ इंजीनियर यहाँ पे, चाहे वो नहीं जाने वाले, हम नहीं निकलेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पानी की जो किल्लत हमारे इस एरिया में है, एक डेढ़ हफ्ता हो गया पानी आया, पानी के बिना इंसान क्या रह सकता है इस गर्मी में? इस गर्मी में कोरोना से तो हम बचेंगे आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इस सफर से बच के आ गए। बिल्कुल, मेरी आपके मीडियम बंधुओं के माध्यम से एक अपील है, अपने जी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, जो हमारा 2018 में 8,000 करोड़ का जो बिजली ढांचा मजबूत करने के लिए जो एक पैसे आए थे, वो लगा कहाँ है? ये कहाँ चोर बजारी है? इसके लिए मेरी आप मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए, लेकिन आपसे अपील है हाथ जोड़ के हमारा मुद्दा ऊपर तक लेके जाए। आज हम यहाँ से कोई नहीं हटेगा जब तक हमें कोई रिटर्न में एश्योरिटी नहीं मिलेगी। चीफ इंजीनियर मौके पे आएंगे तो हम ये धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। क्या क्या डिमांड कि 15 दिनों से यहाँ दुर्गा नगर में पानी की बिल्कुल बूंद नहीं चल रही है, लोग मर रहे हैं पानी के बूंद के लिए। दूसरी बात, जो यहाँ इनजस्टिस है, पावर ग्रिड में 8 फीडर अंडर लोड है, फीडर नंबर 2 लोडेड है, वो ट्रांसफार्मर उनसे भरा है, ये इनजस्टिस है लोगों के लिए, वो नहीं है, ये धोखा है, चीटिंग है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको थोड़े थोड़े से थोड़े वक्त में मुंतकिल किया जाए और फिर